हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सबा यूसुफ। वेलकम टू द अनदर वीडियो, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। हाँ जी, तो आप सब लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और ईद की तैयारियाँ कैसी हो रही हैं। फाइनली ईद की तैयारियाँ तो ऑलमोस्ट सबकी हो गई होंगी, तो मेरी भी कुछ हो गई है और कुछ तो रहती है। तो आप लोग बताएंगे किस किस की ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई और किस की अभी रहती है, और जी रोज़े कैसे जा रहे हैं, मौसम आप लोगों की तरफ कैसा है, बारिशें कहाँ हो रही हैं कहाँ नहीं हो रही। और सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि महंगाई। भाई हम लोग मार्केट तो चले जाते हैं शॉपिंग करने, लेकिन वहाँ जाके हम उनकी जो भी प्राइजेज होती हैं वो देख के इतने हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी सी चीज़ की इतनी सी प्राइस, ठीक है ना। तो आजकल महंगाई ने तो बहुत हमारा, क्या बोलूँ अपने उनको, खैर लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए, कुछ गरीबों का भी ख्याल करना चाहिए। हर कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, हर कोई ब्रांडेड चीज़ें नहीं लेता, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं होती। कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग रोज़ कमाने वाले होते हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। तो हमें उन लोगों का कुछ ख्याल करना चाहिए। कुछ चीज़ों में हमें ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए, ऐसी चीज़ें लानी चाहिए ताकि हम उन गरीबों की हेल्प कर सकें ना, वो गरीब अपने बजट में वो ऐसी चीज़ें ले सकें। तो खुदारा कुछ खुदा का खौफ कर दें, कुछ तो कीमत में कुछ कमी कर दें, कुछ तो महंगाई कम कर दें। यार इतनी महंगाई बंदा क्या करे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, अल्लाह ही पूछे इन लोगों को, ठीक है जी। जैसे कि सब लोगों की तैयारियाँ चल रही हैं ईद की, सब लोग ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो जी आज मैंने भी सोचा कि मैं भी ईद की तैयारियाँ कर लूँ। मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, सब लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, सब लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे भी शॉपिंग करनी चाहिए थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा तो नहीं। वैसे महंगाई तो ज़्यादा है, लेकिन क्या करेंगे, कुछ चीज़ें तो इंसान को ज़रूरी लेनी होती है ना। तो आज मैंने भी सोचा है कि आज मुझे भी जाना चाहिए मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी चाहिए। तो चले जी अब तैयारी करते हैं वहाँ जाने की, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं और क्या चीज़ें लेते हैं क्या नहीं लेते, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलें जी अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पूरी वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ओके जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं अब व्लॉग अपना। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं तैयार शार हो के अब अपनी शॉपिंग की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ मैं निकल गई हूँ। तो यहाँ पे मैं कार में बैठी हूँ जी, ये तकरीबन सुबह के 8:30 बज रहे थे, इस टाइम मैं घर से निकली हुई थी और हम लोग जा रहे थे जी नवाबशाह, ठीक है। तो बस थोड़ी देर में, आधे घंटे में तकरीबन हम लोग नवाबशाह पहुँच गए थे। ये जी हमारा खूबसूरत सा सिटी, सिंध का एक सिटी है, अमेजिंग सा नवाबशाह, ये आप लोग देख सकते हैं नवाबशाह के मनाजिर, इतने माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसके रास्ते वगैरह हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी आपको ज़रूर आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी नवाबशाह सिटी आप लोगों के साथ भी, ठीक है जी। जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। तो जी यहाँ पे मैं, PMC हॉस्पिटल है नवाबशाह की सबसे ज़्यादा बड़ी हॉस्पिटल PMC, तो यहाँ पे जी मैं पहुँच गई थी। एक्चुअली यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शॉपिंग करने निकली थी और यहाँ हॉस्पिटल में क्या करने लगी है। तो जी इस हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर जॉब करती है, तो मुझे मार्केट जाना था अपनी सिस्टर के साथ, इसलिए उनके पास आ गई थी कि जी जब तक सिस्टर जॉब से फ्री हो जाए तो हम लोग इकट्ठे मार्केट जाएंगे। तो अब फाइनली हम लोग फ्री हो गए थे, और हम लोग फर्स्ट हमने विज़िट किया था जी स्टाइलो, तो ये हम लोग आ गए थे जी स्टाइलो पे।
तो स्टाइलों पे माशाल्लाह से सेल भी लगी हुई थी, हर चीज़ अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। यहाँ पे कुछ मैं अनस्टिच्ड ड्रेसेस देख रही थी, लेकिन मैंने अनस्टिच ले ली थी ड्रेसेस, तो मुझे वो लेनी नहीं थी। फिर मैं कुछ स्टिच ड्रेसेस देख रही थी, शर्ट्स वगैरह, लेकिन अल्लाह इतनी महंगाई, इतनी महंगाई कि मैं क्या बताऊँ। स्टाइलो पे एक मुझे शर्ट पसंद आ गई थी, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जस्ट 4000 की वन शर्ट थी, आप लोग सोच सकते हैं 4000 की एक शर्ट। अगर बंदा 4000 की एक शर्ट ले ले और 1500 या 2000 का ट्राउज़र ले ले और 1000-1500 का दुपट्टा ले ले, तो 7-8 हज़ार में हमारी फुल ड्रेस हो जाएगी। तो जी ये है ड्रेस जो तकरीबन 4000 की थी, मुझे ये बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन इतना बजट नहीं था कि मैं ये ले सकूं। लेकिन हमें शॉपिंग करनी होती है अपने बजट के हिसाब से, इंसान अपना बजट देख के ही फिर ही शॉपिंग करे। तो जी यहाँ पे मैं फिर भी देख रही थी शायद कुछ चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ भी इतना ख़ास नहीं लगा। फिर मैं आ गई थी जी शूज़ कलेक्शन पे, स्टाइलो का था। यहाँ पे बच्चों की वैरायटी भी थी और गर्ल्स के शूज़ थे, स्लीपर्स थे। ये यहाँ पे इनके जो शूज़ कलेक्शन थी ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी ना। तो यहाँ पे सिस्टर देख रही थी अपने बच्चों के लिए शूज़ कलेक्शन, तो बस हम देख रहे थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए पसंद करने, तो एक तो चप्पल मुझे पसंद तो आ गई थी, तो मैंने कहा कि भी जाकर विजिट करते हैं, तो जो पसंद आया है तो वो ले लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आ गए थे जी सनी पे। सनी नौआबशा में एक ब्रांड है, उनकी भी अच्छी कलेक्शन होती है। इन पे जो डमीज थी ना, इनको छोटी छोटी फ्रॉक्स लॉन की पहनी हुई थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी ना, मुझे इतनी पसंद आ रही थी। इसलिए आप सोच रहे हैं ये अपनी शॉपिंग करने आई है और इतनी छोटी छोटी फ्रॉक्स भी देख रही है। तो जी मेरी भतीजी है, मैं उसके लिए फ़्रॉक्स देख रही थी। ये सनी का लेडीज़ शॉप, ऊपर इनकी फैंसी ड्रेसेस माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी वेडिंग वियर के हिसाब से, लेकिन हमें तो भाई शादी की शॉपिंग करनी नहीं थी ना, ईद की शॉपिंग करनी थी, ईद की तैयारियाँ करनी थी, तो हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे बच्चों की शॉपिंग हो गई थी, अब हम लोग आ गए थे जी मार्केट जो मोनी बाज़ार होती है वहाँ पे, और मोनी बाज़ार में एक होता है जी पीजे मॉल। तो यहाँ पे हम आ गए थे पीजे मॉल के, कुछ शॉप्स होती हैं वहाँ पे, मैं विज़िट कर रही थी अपने लिए, मुझे एक की ड्रेस लेनी थी और सिस्टर को भी लेनी थी, तो बस यहाँ पे हम विज़िट कर रहे थे। लेकिन इस शॉप पे तो मुझे कुछ खास इतना पसंद नहीं आया। फिर हम लोग जो पीजे की जो दूसरी शॉप है लेडीज़ की, हम लोग वो विज़िट करने जा रहे थे। ये जी सेकंड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ घर की वैरायटी थी जी, तो उसके बाद बस ड्रेस वगैरह हमने ले ली थी। उसके बाद आ गए थे जहाँ ज्वेलरी शॉप पे, ज्वेलरी पे कुछ एयरिंग्स वगैरह बेचिंग जाए थे, कुछ नेकलेस वगैरह आइटम्स, तो बस जी हमने सारी शॉपिंग कर ली थी कंप्लीट। हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ में अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। और सारी शॉपिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग जी इतनी गर्मी में थक हारे अब वापस घर जाने लगे थे। उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, जितना हो सके जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो किया करें। ओके जी, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा, एडवांस की दुआ रखिए, अल्लाह हाफिज़।